असलकम सी एस टू ज़ीरो वन इंट्रोडक्शन टू प्रोग्रामिंग आज हमारी अठारहवीं मुलाकात है पिछली दफ़ा मैंने कुछ स्ट्रिंग मैनीपोलेशन और कैरेक्टर मैनीपुलेशन फंक्शन डिस्कस किए थे और सी टाइप डॉट एच है फाइल और स्ट्रिंग डॉट एच हैडर फाइल की हमने बात की थी और मैंने प्रॉमस किया था कि आज हम फाइल्स के बारे में बात करेंगे सो फाइल्स और फाइल हैंडलिंग इज़ द टॉपिक ऑफ़ टूडेज़ लेक्चर Let us talk a little bit about what a file is. They can whenever we talk, we start with bits and bytes and you know characters and strings and numbers. But in we collect katakart or equal meaningful cheese banti hai. So that ends up being either your program, a CPP file, a letter, okay. an application, an essay, a novel, something like that.

रीडेबल इंग्लिश कैरेक्टर्स पड़े हुए हैं दिज कैन इंक्लूड प्रोग्राम दिज कैन इंक्लूड ऑल ऑफ द स्टफ़ दैट वर्ड प्रोसेसिंग एट्सट्रा एंड देन देर आर अ सेकेंड टाइप विच आर एक्सक्यूटबल प्रोग्राम्स प्रोग्राम दैट एक्चुअली रन ऑन योर कम्प्यूटर अगर आप डिस्क पर देखेंगे डॉस वाले लोग जो हैं वो डी आई आर कमांड चलाएँ तो एक लिस्ट आ जाती है कि जी इस डायरेक्ट्री के अंदर कौन कौन सी फाइलें मौजूद हैं विंडोज़ में आप फोल्डर को क्लिक करें तो राइट right साइड पे फोल्डर के अंदर जो फाइल्स मौजूद हैं उनकी लिस्ट आ जाती है दिस अ लिस्ट ऑफ फाइल्स दिस नॉट कैरेक्टर्स और बिट्स एंड बाइट्स इट इज़ नेम्स दैट यू सी द नेम्स रिप्रेजेंट अ फाइल फ़ाइल की अपनी प्रॉपर्टीज़ लें तो यूल फाइंड की उसकी एक लंबाई भी है उसके डेट क्रिएटेड भी है एंड सो एंड सो फोर्थ बट दैट इज़ नॉट ऑफ आर इंटरेस्ट फॉर टुडे फॉर टुडे वॉट वी वॉन्ट टू नो इज़ कि जी फाइल एक चीज़ होती है उसके अंदर मतलब हमारा डेटा भी स्टोर हो सकता है और वो प्रोग्राम भी हो सकता है चलने वाला प्रोग्राम हाँ जो डेटा फाइल्स हैं उनके अंदर हम उनको सेपरेट कर सकते हैं कि जी कुछ तो है प्लेन टेक्स्ट प्लेन टेक्स्ट कौन सा है जो कि हमने नोट पैड में फॉर एग्जांपल क्रिएट किया विंडोज़ में नोट पैड खोला उसमें जो टाइप करके सेव किया इट इज़ ऑर्डिनरी टेक्स्ट आई से ऑर्डिनरी टेक्स्ट इट मीन उसके अंदर कोई फॉर्मेटिंग कोई बेल बूटे नहीं डले हुए उसको आप डॉस के अंदर टाइप कमांड के साथ चलाएं तो आपको जो भी उस फाइल के अंदर लिखा हुआ है वो स्क्रीन पे नज़र आ जाता है एज इज़ नोट पैड के अंदर खोलें वही चीज़ नज़र आती है वर्ड पैड के अंदर खोलें वर्ड के अंदर खोलें वर्ड प्रोसेसिंग प्रोग्राम के अंदर वही आपको प्लेन टेक्स्ट नज़र आता है द सेम अपलाइज़ टू योर सी पी पी फाइल्स कि आपका कंपाइलर का जो एडिटर है वो जब फाइल को सेव करता है आपके सोर्स कोड को तो इट इज़ सेविंग इट एज़ प्लेन टेक्स्ट उसके अंदर कोई ऐसी इंडिकेशन नहीं है कि ये कैरेक्टर बोल्ड करना है ये यहाँ पे अंडरलाइन करनी है जो वर्ड प्रोसेसिंग वाले हिस्से हैं वो नहीं हैं इट एज प्लेन टेक्स्ट। प्लेन टेक्स्ट फाइल्स आर द वंस दैट वी विल बी हैंडलिंग टुडे, बट दे द ओनली टाइप ऑफ टेक्स्ट फाइल्स आंसर ऑब्वियसली नो आप वर्ड प्रोसेस्ड फाइल जो रखते हैं वो देखना तो हमने उसको टैक्सट में ही है प्रिंट भी लेना है तो टेक्स्ट का प्रिंट लेना है लेकिन उसके अंदर कुछ स्पेशल चीज़ें हमने की होती हैं फॉर्मेटिंग की होती है पैराग्राफ की अलाइनमेंट की होती है एंड सो एंड सो फोर्थ वो इन्फॉर्मेशन जो है वो फाइल के अंदर ही स्टोर हुई होती है जब वो इंफॉर्मेशन फ़ाइल के अंदर स्टोर हुई हुई है तो इट इज़ नो लॉन्गर प्लेन टेक्स्ट नॉट इन टूडेज़ कंप्यूटर्स रिमेंबर लास्ट टाइम आई मैंशन के जी जब ये सी और यूनिक्स बन रहा था तो वो इन लाइन फॉर्मेटिंग और जो कैरेक्टर इन्हेंसमेंट कमांड्स हैं वो इन लाइन टाइप की जाती थी तो जो चीज़ टाइप की जाती थी कि जी करली ब्रैकेट्स या एंगल ब्रैकेट्स के अंदर बी लिखा हुआ फॉर बोल्ड तो वो तो टेक्स्ट था सो ओरिजिनली वहाँ पे टेक्स्ट फाइल ही रहती थी आजकल के वर्ड प्रोसेसर्स में जब हम बोल्ड करते हैं तो इज़ दर अ स्पेशल कोड इन देयर विच डज़ नॉट प्रिंट सो दीज फाइल्स आर नो लॉन्गर प्लेन टेक्स्ट फाइल्स सेम अप्लाइज टू लेट्स ए फाइल दैट यू क्रिएट विद इन एक्सेल स्प्रेड अगर आप स्प्रेड बनाते हैं तो उसके अंदर नंबर्स हैं पर उसके अंदर फार्मूलाज भी हैं फॉर्मेटिंग भी है सेल कैरेक्ट्रिस्टिक्स भी है, हैं बेतहाशा और चीज़ें हैं लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन विच इज़ नॉट प्लेन टेक्स्ट द मैजिक वर्ड दैट आई वॉज नॉट यूजिंग इज़ बाइनरी इन्फॉर्मेशन सो इन फाइलों के अंदर जो हमने टेक्स टाइप किया है उसके अलावा कुछ बाइनरी इन्फॉमेशन भी स्टोर की हुई है बट दीज आर नॉट प्रोग्राम फाइल्स दिज आर फाइल्स डेट वी क्रिएटेड यूजिंग वन प्रोग्राम और दी अदर माइक्रोसॉफ्ट वर्ड या एक्सेल या कोई और हमारे पास प्रोग्राम है प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का कोई प्रोग्राम है उसके लिए सो इन फाइलों को हम डेटा फाइल्स कहते हैं Then of course there are the program files which computer be executed on the computer. Those are the executable files. So they are something else. Normally they contain entirely binary information which is non-printable. Okay. So we are going to differentiate between the two and there are different ways of handling these files. For today what we want to do is move on and say that till character variables, the, string variables I, any yani character arrays ai, तो अरेज़ से आगे चल के हम अब फाइलों को भी अपने प्रोग्राम्स के अंदर शामिल करना चाहते हैं क्यों करना चाहते हैं देखें जो भी चीज़ कंप्यूटर की मेमोरी में है वो तो है वॉल्टाइल इंफॉर्मेशन विच मीनस जब कंप्यूटर ऑफ किया तो मेमोरी साफ़ हो गई अब अगर आप अपने प्रोग्राम के हवाले से इसको सोचें तो प्रोग्राम के अंदर जो स्ट्रिंग लिखी हुई है वो तो प्रोग्राम का हिस्सा है वो डिस्क पे पड़ी हुई है कंपाइल हो गया जब भी एक्सिक्यूट करेंगे वो स्ट्रिंग प्रोग्राम को मिल सकती है लेकिन सपोज़ मैं कहता हूँ कि जी एक हमने पेरोल बनाना है फैक्ट्री का तो उसके लिए पहले तो डेटा गैदर किया जाए कि जी एम्प्लॉ का नाम क्या है और उसकी सैलरी कितनी है महीने की और वो एंटर करके जब पूरी लिस्ट कंप्लीट हो जाए तो फिर उसकी अटेंडेंस लें हम कहते हैं कि कितने दिन वो हाज़िर रहा और उसके बेसिस के ऊपर उसकी सैलरी कैलकुलेट करें और फिर उसका रिपोर्ट बननी चाहिए तो क्या हम हर महीने सारे एम्प्लॉज़ की लिस्ट फिर से टाइप कर रहे होंगे ऑब्वियसली द आंसर इज़ इट वुड बी बेटर अगर ये इन्फॉर्मेशन जो कहते हैं नाम इतना ये उसका नाम है और ये उसकी सैलरी है वो किसी फाइल में पड़ी हो हर दफ़ा जब हमने प्रोसेस करना हो हम कहें कि जी इस एम्प्लॉ ने इतने दिन हाज़िरी लगाई इस एम्प्लॉयी ने इतने दिन काम किया सो so ऑन और प्रोसेस करके आउटपुट ले ली आउटपुट ले ली तो आउटपुट क्या कागज़ पर निकल आएगी या स्क्रीन पर चली जाएगी या उसको भी सेव करना है अगर सेव ना किया तो आप कहें ओहो ये प्रिंटर जैम हो गया इस पर तो कागज़ फंस गया है इस पर प्रिंट आउट ठीक नहीं निकला फिर से प्रिंट दे दो तो जो कंप्यूटर ऑपरेटर बैठा हुआ है वो बेचारा सर पकड़ के बैठ जाएगा कि जी अभी मैंने एक हज़ार बंदों की ना हाजिरियाँ डाली हैं बीच में और ये कह रहे हैं कागज़ फंस गया वो फिर से डालो तो इट वुड बी नाइस इफ़ वी कुड प्रोसेस दिस इंफॉर्मेशन एंड क्रिएट येट अनादर फाइल अ टेक्सट फाइल इन दिस केस जो कि के कंप्यूटर की डिस्क के ऊपर स्टोर हो जाए और फिर जब चाहें उसका प्रिंट आउट लिया जा सके या उसकी आउटपुट देखी जा सके दिस जस्ट अ स्लाइट आई एम गिविंग यू अ फील फॉर अ जस्टिफिकेशन फॉर यूजिंग फाइल्स वाई मेमरी इज़ वॉलाटाइल एनी डेटा दैट यू की इन फ्रॉम द की बोर्ड वाइल द प्रोग्राम इज़ रनिंग वो भी वालाटाइल है वालाटाइल जानते हैं ना जैसे जो चीज़ें इवेपोरेट करती हैं तो बोतल का ढक्कन खोल दें तो इवेपोरेट हो जाती हैं सो दिस इज़ वॉलेटिलिटी दैट मीन्स कि जी जितनी देर तक प्रोग्राम चल रहा है जितनी देर तक कंप्यूटर ऑन है ये जो हमारा डेटा है ये मेमोरी में मौजूद है कंप्यूटर ऑफ हुआ तो डेटा भी फारे प्रोग्राम भी ज़ाया हो जाता है मतलब मेमोरी में नहीं रहता डिस्क पे जो एक्सिक्यूटबल फाइल है वो पड़ी रहती है हम चाहेंगे ये कि जी एक फ़ाइल डिस्क पे क्रिएट कर सकें बार बार उसको पढ़ सकें उसको कुछ मैनिपुलेट करके प्रोसेस करके एक और फाइल लिख सकें सो दिस इज़ फाइल हैंडलिंग ऑफकोर्स आज के लेक्चर में हम टेक्स्ट फाइल्स को हैंडल करेंगे आगे चल के हम बाइंड्री फाइल्स को भी हैंडल करना सीखेंगे लेटेस्ट एक लुक एट कि जी बेसिकली हमें क्या स्टेप्स की ज़रूरत है टू डू सम फाइल हैंडलिंग देखें अगर एक फ़ाइल जैसे एक डिस्क पे पड़ी हुई है पहले हमें इसे खोलने की जरूरत है सो वी नीड टू ओपन द फाइल देन वी नीड टू रीड द फ़ाइल और राइट इन टू इट उसमें लिखा भी जा सकता है और फिर इवेंचुअली हमने उसको बंद भी करना है वी नीड टू क्लोज द फ़ाइल सो ये तीन जो हैं बेसिक स्टेप्स ये तो हमें करने ही करने हैं ओपन रीड राइट एंड क्लोज हाउ डू वी डू दैट याद रहे जब हमने शुरू किया था हमने सी इन और सी आउट की बात की थी तो मैंने आपको इंट्रोड्यूस किया था इसको कि जी ये समझ लें दरवाजे हैं बाई विच डेटा कैन एंटर फ्राम द की बोर्ड इन टू द प्रोग्राम सी इन एंड अनदर डोर फ्राम विच द डेटा कैन गो आउट एंड अपीयर ऑन द स्क्रीन दैट वॉज सी आउट टेक्निकली सी प्लस प्लस में इनको स्ट्रीम्स कहा जाता है स्ट्रीम्स की एक्चुअल डिस्कशन हम बहुत बाद में जाके करेंगे लेकिन आज के लिए आपको कुछ नई स्ट्रीम्स इंट्रोड्यूस करनी पड़ेंगी टू बी एबल टू डू फाइल हैंडलिंग ये हम सी प्लस प्लस वाली फाइल हैंडलिंग कर रहे हैं सी वाली नहीं कर रहे इसके लिए ऑब्वियसली एज बाकी चीज़ों में होता रहा हमें एक हेडर फाइल चाहिए इन दिस केस द हेडर फाइल इज़ कॉल्ड एफ स्ट्रीम ना अगेन अ नाइस वर्ड टू यूज़ और अ नाइस नेम फाइल स्ट्रीम उसका नाम है एफ़ स्ट्रीम डॉट एच So, when you are manipulating files, aap sharp you will include fstream.h. Now, there two options. Hain. option is that we a file hum khole, jisko hum sirf which is read only, which means the file is being used for input into our program. So, if it is an input file, then we should have a stream for input files. And that stream, logically enough, is named

क्या हम एक फ़ाइल को पढ़ के उसी में लिख सकते हैं वापस सो so, पहले तो था आई एफ स्ट्रीम से हमने एक फ़ाइल पढ़ी और ओ एफ स्ट्रीम से एक फ़ाइल लिख दी वॉट अबाउट इफ़ आई वॉन्ट टू रीड अ फाइल मेक सम चेंजेस इन इट एंड राइट इट बैक अगेन इफ यू थिंक प्रोग्रामेटिकली और लॉजिकली यू सी लुक आई कैन डू दिस बाई रीडिंग अ फाइल मेकिंग मैनिपलेन्स एंड राइटिंग इट आउट क्लोजिंग द फाइल्स

इनको इस्तेमाल करने का तरीका क्या है लेट्स टेक अ लुक फर्स्ट ऑफ ऑल इंक्लूड दो प्रोग्राम के आना चाहिए एफ स्ट्रीम डॉट एच उसके बाद हम स्ट्रीम्स डिक्लेयर करते हैं अब सी इन सी आउट हमने डिक्लेयर नहीं किए थे क्योंकि वो आई ओ स्ट्रीम के अंदर डिफाइंड थे और ये कीबोर्ड और मॉनिटर हर कंप्यूटर के साथ है सो दे वॉज अ शॉर्ट हैंड अवेलेबल कि ये प्री डिफाइंड स्ट्रीम्स हैं यहाँ पे जब हम आई एफ स्ट्रीम कहते हैं तो इसके आगे हम एक वेरिएबल का नाम लिखते हैं विच इज़ गोइंग टू बी द समझ लें हैंडल या नाम जिससे हम फाइल को रेफर करेंगे सो इट्स लाइक एन इंटरनल वेरिएबल बाय विच वी विल बी हैंडलिंग फाइल्स विच आर एक्चुअली सेटिंग ऑन डेस्क सो इफ़ वी वॉन्ट टू यूज़ एन इनपुट फाइल विच मीन्स उसको हम पढ़ना चाहते हैं तो उसकी डेक्लोरेशन हो जाएगी आई एफ स्ट्रीम स्पेस फाइल के हैंडल का नाम अगेन इट्स अ नेम यू कैन यूज़ माई फाइल माई इनपुट फाइल एनी थिंग दैट इज़ यूजफुल एनी थिंग दैट इज़ सेल्फ एक्सप्लेनिट्री फॉर एग्जाम्पल इफ आई वॉन्ट टू प्रोसेस द पेरोल आई वुड से आई एफ स्ट्रीम पेरोल डेटा ठीक है न ये फाइल का नाम बन जाएगा और फिर ये हैंडल है इट्स अ वेरिएबल विच इज़ इनसाइड द प्रोग्राम अभी हम फाइल तक नहीं पहुँचे फाइल तक पहुँचने के लिए हमें फाइल जो फिज़िकली डिस्क के ऊपर मौजूद है उसको खोलना पड़ता है

अभी के लिए ये ज़रा सा मैजिक लगेगा कि ये डॉट कहाँ से आ गया लेकिन ये तरीका ये है कि जी माय फाइल एक स्ट्रीम ऑब्जेक्ट है और इसका ये एक फंक्शन है ठीक है ना बाद में हम थोड़े से नाम भी ऐड अप कर देंगे ये आपके दरमियाने वाले हिस्से के बाद जो डिस्कशन होगी इस कोर्स में उसमें इनको नाम हम प्रॉपर देना शुरू कर देंगे फॉर द मोमेंट ओपन इज़ अ फंक्शन दैट बिलोंग्स टू दिस स्ट्रीम ऑब्जेक्ट द फाइल स्ट्रीम और हम कहते हैं माई फाइल डॉट ओपन बिकॉज इट्स अ फंक्शन आगे परेंथिसिस हैं इसको आर्गोमेंट्स चाहिए पहला आर्गमेंट जो है वो जो फाइल पड़ी हुई है डिस्क पे उसका नाम होगा एंड द नेम इज़ रेप्रजेंटेड बाय अ कैरेक्टर स्ट्रिंग सो डबल कोटेशन मार्क्स के अंदर आप फाइल का नाम लिख दें फाइल का नाम सिंपल भी हो सकता है लाइक पेरोल डॉट टेक्सट टी एक्स टी इट कैन ऑल्सो बी अ फुली क्वालिफाइड पाथ नेम वॉट इज़ मेन्ट बाई अ फुली क्वालिफाइड पाथ नेम आप देखेंगे कि हम आजकल के मॉडर्न ऑपरेटिंग सिस्टम्स में जब फाइलें स्टोर करते हैं तो ऊपर सबसे हम इस शुरू करते हैं किसी ड्राइव के नाम से ये मॉडर्न ऑपरेटिंग सिस्टम मीन्स डॉस एंड विंडोज सो वी हैव अ सी ड्राइव एंड अ डी ड्राइव एंड एन ई ड्राइव एंड सो ऑन उसके बाद सी कोलन बैक स्लेश उसके अंदर कई फोल्डर्स हम बना लेते हैं जैसे माई प्रोग्स आपने शायद बनाया भी हो फॉर सेविंग योर वर्क फॉर दिस कोर्स सो वो एक फोल्डर बन गया उस फोल्डर के अंदर एक फाइल पड़ी हुई है कॉल्ड पेरोल डॉट टेक्स्ट जिसको कहते हैं फुली क्वालिफाइड पाथ नेम्स मीन्स के वो ऊपर से शुरू होता है और पूरा रास्ता बताता है पाथ बताता है हाउ टू गेट टू दिस फाइल सो द पाथ फॉर दिस फाइल वुड बी सी कोलन बैक स्लैश माई प्रॉग्स बैक स्लैश पेरोल डॉट टैक्सट दिस इज

That means the file exists in the current folder. Yeah? Ye, main vise, ek aside bata raha hun, But I would recommend that if you are not comfortable with files and folders, go into the Windows help system and read up on it. It is a hierarchical file system that there are folders, hai, folders, subfolders, and so on, and that there are folders. And of course, folders can create or uh, contain. फोल्डर्स एज वेल एज फाइल्स सो दे इज़ अ मल्टी लेवल हायर यूनिक्स के अंदर यू नहीं होता यूनिक्स के अंदर देर इज़ अ सिंगल टॉप लेवल दैट इज़ कॉल्ड द रूट रूट से आगे सारी चीज़ें चलती हैं सो इट्स लाइक अ ट्री मॉडर्न ऑपरेटिंग सिस्टम्स के जो डायरेक्टरी स्ट्रक्चर्स हैं दे आर लाइक अ ट्री एक्सेप्ट ट्री उल्टा है जड़ ऊपर है और शाखें नीचे को हैं ये शाखे जो हैं ये इनके फोल्डर्स हैं और फोल्डर्स के अंदर सब फोल्डर्स हैं सब फोल्डर्स के अंदर फाइलें भी हैं और सब फोल्डर्स हैं एंड सो ऑन फाइलें हमारी किसी ना किसी फोल्डर में होती हैं सो दैट असाइड वंस वी नीड टू ओपन अ फाइल वी से साई फाइल डॉट ओपन एंड देन विद इन परेंथसिज विद इन कोटेशन मार्क्स वी गिव द नेम ऑफ द फाइल वेदर इट्स अ सिंपल नेम और अ फुली क्वालिफाइड पाथ नेम साथ हम ये बताते हैं कि जी इस फाइल के साथ हमने करना क्या है वट दज दैट मीन दैट मीन्स कि जी हम इस फाइल को पढ़ना चाहते हैं या इसमें लिखना चाहते हैं या इसके साथ कुछ और करना चाहते हैं कि जी इसमें कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें ऐड करना चाहते हैं एंड सो ऑन हाउ डू वी टेल दैट टू द प्रोग्राम पहली चीज़ देर इज समलिजेंस ऑलरेडी बिल्ट इन हमने एक वेरिएबल डिक्लेयर किया था आई एफ स्ट्रीम और उसको नाम दिया माई फाइल सो द टाइप ऑफ द वेरिएबल वॉज आई एफ स्ट्रीम जब हमने आई एफ स्ट्रीम लिख दिया इट इज़ इनपुट फाइल स्ट्रीम सो आई एफ स्ट्रीम टाइप वेरिएबल के साथ स्ट्रीम के साथ जब भी हम फाइल खोलेंगे इट विल ऑटोमेटिकली बी ओपन फॉर इनपुट इन फैक्ट यू नॉट ओपन इट फॉर आउटपुट सो ऑल यू नीड टू डू इज़ माई फाइल डॉट ओपन विद इन परंथिसिस कोटेशन मार्क्स में फ़ाइल का नाम दे दें फाइल खुल जाएगी और उसका जो भी अंदर चीज़ें हैं वो आपको अवेलेबल हो जाएंगी हाउ डू वी एक्सेस दैम वी एक्सेस दैम मैंने कहा यह स्ट्रीम्स हैं तो अगर स्ट्रीम्स हैं तो बिल्कुल स्ट्रीम की तरह भी हम एक्सेस कर सकते हैं अभी हम सिर्फ टेक्स्ट फाइलों की बात कर रहे हैं सोइ आई से माई फाइल ग्रेटर दैन ग्रेटर दें किसी वेरिएबल का नाम तो ये बिल्कुल सी इन की तरह चलेगा कि फ़ाइल का जो भी पहला वर्ड बनता है वो नंबर्स हैं या एक वर्ड है वो वेरिएबल के अंदर आ जाएगा

to process that string that you entered, which was multiple words. file mein words so you will have to call it repeatedly. You can use the stacking of the extraction operator. You can say see it, matlab my file greater than greater than variable one, greater than greater than variable two and so on. But there are other ways of doing it and we'll come to them. We're trying to combine quite a few things here together. द इम्पॉर्टेंट थिंग टू रिमेंबर इज़ कि जी इट्स इट्स अल स्ट्रीम सो इट बिहेव एक्जैक्टली लाइक सी एन एंड यू कैन यूज़ द सेम सी एन टाइप सिंटैक्स टू रीड इट द अदर थिंग टू रिमेंबर इज़ कि जब हमने ये फ़ाइल खोली है तो इसके बारे में हमें कुछ इंफॉर्मेशन पहले से होनी चाहिए वो इंफॉर्मेशन होगी तो हम पढ़ेंगे ना कि जी पहले नाम लिखा होगा फिर तनख्वाह लिखी होगी और समथिंग लाइक दैट तो पहले वाले वेरिएबल को शायद हम स्ट्रिंग के अंदर ले जाएँ दूसरे वाले जो भी पढ़ेंगे फाइल से वो शायद हम नंबर के न्यूमेरिक वेरिएबल के अंदर लेके जाएं। सो वी हैव टू नो समथिंग अबाउट द फाइल स्ट्रक्चर टू यूज इट करेक्टली दैट मस्ट बी डन दैट मस्ट बी देयर वंस वी हैव रेड द फाइल वी मस्ट क्लोज इट इट इज़ आर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू क्लोज द फ़ाइल सो वी मस्ट से एट द एंड ऑफ ऑल द प्रोसेसिंग वी शुड से माई फाइल डॉट क्लोज ये भी फंक्शन कॉल है एंड एज़ अ फंक्शन कॉल इसके आगे भी पैरथीसीज लिखेंगे हम लेकिन पैरथीसीज के अंदर कुछ नहीं होगा बिकॉज माय फाइल इज़ द फाइल दैट इज़ बीइंग क्लोज वी डोंट नीड टू टेल इट एनीथिंग मोर देखें प्रोसेस इसने किया क्या है माई फाइल डॉट ओपन जो था उसने एक टेक्स्ट फाइल जो डिस्क पे मौजूद थी उसको खोला और जो हमारा आई एफ स्ट्रीम टाइप वेरिएबल था जिसका नाम था माई फाइल उसको इस फाइल के साथ एसोसिएट कर दिया अब जब भी हम माई फाइल को इस्तेमाल करेंगे वो एक्चुअली इस फ़ाइल की मैनिपुलेशन हो रही होगी क्योंकि ये एसोसिएशन कायम हो गई है नीचे जाके जब हमने कहा माई फाइल डॉट क्लोज़ तो ये डिस्क वाली फ़ाइल क्लोज़ होकर डिस्क पे सेव हो जाती है और माई फ़ाइल जो है वो फारग हो जाता है दैट इज़ अगेन इन आई एफ स्ट्रीम टाइप वेरिएबल बट इट इज़ नो लॉन्गर एसोसिएटेड विद एनी अदर फाइल वाई डोंट यू राइट अ स्मॉल लिटल प्रोग्राम जो आपकी किसी टेक्स्ट फाइल को जो डिस्क पे आपने बना के सेव की हुई है उसको पढ़े और स्क्रीन पे दिखा दे। इसके अंदर दो तीन चीज़ों का आपको ख्याल रखना पड़ेगा टेक्स्ट फाइल तो आप नोट में क्रिएट कर लें वो नोट में क्रिएट करके सेव कर दिया माई फाइल डॉट टी एक्स टी प्रोग्राम में आप आई एफ़ स्ट्रीम टाइप स्ट्रीम डिक्लेयर करें कॉल इट माई फाइल माई फाइल डॉट ओपन के साथ जो स्ट्रिंग देंगे वो होगा माई फाइल डॉट टी एक्स टी इसको खोलना है आपने जब आप प्रोग्राम चलाएंगे यू मे हैव सम फ़नी रिजॉर्ट्स यू मे हैव अ बॉक्स दैट काइंड ऑफ जस्ट काइंडिस एंड मे बी नथिंग हैपन्स सो यू नीड टू डू सम एरर चेकिंग एरर चेकिंग फाइल्स के साथ जो है ताल्लुक उसका वो इस तरह का है कि जी हमने कहा माई फाइल डॉट ओपन फलानी फाइल और वो नहीं खुली ना खुलने की कई वजह हो सकती हैं एक है कि जी वो फाइल वहाँ एग्जिस्ट ही नहीं करती दूसरी है किसी और प्रोग्राम ने उस फाइल को खोला हुआ है और उसको मुकम्मल तौर पे एक्सक्लूसिव यूज़ के लिए पकड़ लिया तो कोई और प्रोग्राम उसमें दाखिल नहीं हो सकता सो दे कुड बी मेनी रीजंस फॉर दैट सो इट्स अ गुड आइडिया वे एवर यू से माई फाइल डॉट ओपन सम फाइल यू शुड डू एन एरर चेक एंड द वे टू डू एन एरर चेक इज़ इफ़ माई फाइल डॉट ओपन वॉज सक्सेसफुल तो माई फाइल के अंदर एक फाइल हैंडल आ गया होगा अगर वह सक्सेसफुल नहीं है यानी फ़ाइल नहीं खोल सका तो यू कैन जस्ट डू इफ़ not my file so exclamation mark my file that means ji, it didn't work it returns a false so if not my file do a, a little polite statement your file could not be opened and exit from the program. So remember how to do error checking or learn how to do error checking when you are opening files. Jab ek file khul gayi usko see in syntax word for word aur output और फिर एंड पे क्लोज कर लें सो डू दैट एक्सपेरिमेंट इफ़ यू फाइंड रिपीटडली कि जी आप अपने डेव सी प्लस प्लस के एन्वायरमेंट में फाइल खोल नहीं सकते ठीक है सो यू शुड एक्चुअली डू एन एरर मैसेज जो आकर स्क्रीन पे आपको दिखा दे कि जी फाइल नॉट फाउंड या फाइल ओपन फेल्ड समथिंग लाइक दैट देन आई विल टेल यू वॉट टू डू प्रोग्राम को कंपाइल करेंगे तो उसकी एक्सिक्यूटबल बनती है दैट इज़ द ई एक्सी फाइल पहले तो आप लोकेट करें कि वो ई किस फोल्डर में पड़ी हुई है इट शुड बी इन योर माई प्रॉग्स फोल्डर जो आपने फाइल बनाई थी टेक्स्ट फाइल जिसको आप पढ़ना चाह रहे हैं माई फ़ाइल डॉट टी एक्स टी वो भी उसी फोल्डर में मौजूद होनी चाहिए अब तक आपको कमांड प्रॉम्प्ट पे जाना आ गया होगा आप कमांड प्रॉम्प्ट पे चले जाएँ माई प्रॉग्स फोल्डर में चले जाएं और वहाँ से मैनुअली टाइप करें अपने प्रोग्राम का नाम अगर आप वहाँ पे टाइप करेंगे और प्रोग्राम और टेक्स्ट फाइल एक ही फोल्डर में पड़ी हों तो फिर खोलने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा प्रोग्राम फाइल को खोल सकेगा और उसके कॉन्टेंट्स को रीड कर सकेगा सो ट्राई दिस आउट वेन यू डूइंग दिस दैन द नेम ऑफ योर टेक्स्ट फाइल नीड नॉट बी फुली क्वालिफाइड इट कैन बी सिम्पली द नेम ऑफ द फाइल विद इन कोटेशन मार्क्स टू मेक लाइफ ईजी फॉर योर सेल्फ प्लीज मेक श्योर दैट यू डोंट यूज़ स्पेशल कैरेक्टर्स इन द फाइल नेम कोशिश ये करें कि फाइल का नाम सारा ही लोअर केस में हो उसमें पहला वाला हिस्सा हो लेट्स से माय फाइल फिर एक फुल स्टॉप और फिर टी एक्सटेंशन हो दो फुल स्टॉप्स ना डालें बड़ी बड़ी स्ट्रेंज चीज़ें होने लग पड़ती हैं कॉमास ना डालें एट्सट्रा सिंपल सिंपल नाम रखें ताकि आपको ये एक्सपीरियंस हो सके कि जी फाइल का नाम रखा है प्रोग्राम में इसको कैसे कॉल किया है प्रोग्राम ने इसको खोल लिया सो फार वी वर डीलिंग विद दिस फर्स्ट टाइप ऑफ फाइल विच वॉज इनपुट के लिए हम इस्तेमाल कर रहे थे वॉट अबाउट आउटपुट आउटपुट इज़ स्लाइटली मोर इंटरेस्टिंग वेन वी ओपन अ फाइल फॉर आउटपुट देर आर सेवरल थिंग्स वी माइट वॉन्ट टू डू विद एट फर्स्ट थिंग इज के जी ओपन करें और वो फाइल उस वक्त क्रिएट हो जाए सो इट्स अ ब्रैंड न्यू फाइल और फिर हम उसमें कुछ लिखेंगे दूसरा है कि जी फाइल एग्जिस्ट करती थी इसको खोला जाए लेकिन इसको हम ओवर करने लगे लिहाजा उसमें जो औरिजिनल कॉन्टेंट थे वो सारे ज़ाया कर देने हैं और इसको जो भी लिखा जाएगा वो नए सिरे से लिखा जाएगा जब तक हम इस फाइल को क्लोज नहीं करते एक तीसरा तरीका भी है कि जी फाइल को खोला जाए एग्जिस्टिंग फ़ाइल को और उसके अखीर पे कुछ लिखा जाए यानी जो चीज़ उसमें मौजूद थी वो वहीं की वहीं रहे और उसके एंड के ऊपर हम अपेंड कर सकें कुछ और टेक्स्ट और चौथा तरीका जो है वो है कि जी फाइल खोला जाए फाइल को खोला जाए और खोलने के बाद हम उसको कहें कि जी इसमें जो डेटा था वो तो मौजूद रहे लेकिन हम जहाँ मर्जी दिल करें लिख लें उसके दरमियान में लिख लें उसके एंड में लिख लें उसके बिगनिंग में लिख लें सो वेन वी ओपन अ फाइल फॉर आउटपुट देन वी हैव सेवरल ऑप्शन एंड वी माइट बी इंटरेस्टेड इन यूजिंग एनी वन ऑफ दप्शंस हाउ डू वी डू दैट वेल आई एफ़ स्ट्रीम के साथ तो मैंने आपको बताया था कि जी हमने सिर्फ फ़ाइल का नाम दे दिया तो उतना काफ़ी है बट एक्चुअली हम उसका एक ओपनिंग मोड भी दे रहे थे ये फ़ाइल खोलनी किस मोड के अंदर है सो द करेक्ट सिंटेक्स फॉर एफ स्ट्रीम आई एफ स्ट्रीम और ओ एफ स्ट्रीम अब मैं जेनेरिक बता रहा हूँ आपको एफ़ स्ट्रीम के साथ वो होगा एफ स्ट्रीम और फिर उसके साथ जो भी वेरिएबल का नाम है वेरिएबल नाम के साथ जो परथिस हैं पहले फाइल का नाम आता है फिर कॉमा और एक उसका दूसरा आर्गूमेंट है वो है मोड विच इज़ द मोड इन विच द फाइल इज़ टू बी ओपनड ये मोड क्या चीज़ है वेल इट्स बेसिकली एन इंटेजर वेरिएबल लेकिन इसकी वैल्यूज़ प्री डिफाइंड हैं सो अगर आप फाइल को पढ़ना चाहते हैं तो इसका मोड इनपुट फाइल होगा और वो एक हेडर फाइल में डिफाइंड है जब आपने एफ स्ट्रीम और स्टैंडर्ड आई वगैरह इंक्लूड की वो मोड्स इंक्लूड हो गए हुए हैं आई स्ट्रीम से ये शुरू होते हैं वहाँ से आई एस सिस्टम कहलाता है इनपुट आउटपुट सिस्टम वहाँ पे ये डिफाइंड हैं यू डोंट नीड टू वरी अबाउट देम एट दिस टाइम बट यू शुड नो व्हाट दे आर एंड यू यू शुड नो हाउ टू यूज़ देम जब हम स्ट्रीम्स की एक्चुअल डिस्कशन करेंगे फिर इनके ऊपर ज़्यादा बात होगी फॉर द मोमेंट इफ़ आई वॉन्ट टू ओपन लेट्स एन इनपुट फाइल ठीक है मैं उसको पढ़ना चाहता हूँ तो मेरा करेक्ट या कम्प्लीट सेंटेक्स जो है वो इस तरह का होगा आई स्ट्रीम my file, फिर पर के अंदर डबल कोट्स के अंदर फाइल का नाम कॉमा मोड की जगह पे मैं लिखूँगा i o s कोलन कोलन आई एन नाव कोलन की बोर्ड कैरेक्टर है दो नुक्ते ऊपर नीचे लगे पे ये कहता है कि जी my file जो है विच इज़ द वेरिएबल ऑफ टाइप आई एफ स्ट्रीम विच इज़ एक्चुअली स्ट्रीम ऑब्जेक्ट उसको एसोसिएट करना है विद दिस फाइल नेम जो मैंने डबल कोर्स में किया लेट्स से माय फाइल डॉट टेक्स्ट और इसका ओपनिंग मोड जो है वो इन in है इनपुट मोड है और उसको लिखने का ये तरीका आई ओ एस कोलन कोलन आई एन ये जो मोड है ये फिर ओ एफ स्ट्रीम यानी आउटपुट फाइल्स के लिए इसकी कई और वैल्यूज़ आ जाती हैं पहले ये आ जाएगा कि जी हमने अगर प्लेन सिंपल आउटपुट करना है तो आई ओ एस कोलन कोलन आउट लेट्स टेक आपके पास पूरी लिस्ट हम दिखा रहे हैं टेक अ लुक द मोड्स मैंने कहा कि जी आउटपुट के लिए हम आउट भी कर सकते हैं आउट का मोड जो है वो फाइल को या क्रिएट कर देगा अगर फाइल एग्जिस्ट नहीं करती और अगर करती है एग्जिस्ट तो उसको खोलेगा और साथ ही उसके कंटेंट सारे ज़ाया हो जाएंगे सो इट विल बी अ जीरो लेंथ फाइल टिल यू राइट समथिंग इनटू इट what if we want to append then the mode is ios colon colon app, append to this file that means KG, the file contents will remain intact file will be opened and whatever output you do to the file will be added to the end of the file yani file mm -hmm. badi hoti what about that thing about reading and writing anywhere for the moment we are working with text files we will not do any random movement but there is a mode for output which is ios colon colon at e this is at end ate so at na at e to aa jati at end so you have opened a file for writing and you have positioned your cursor or let's say the file position at the end of the file and you can write over there it is like append but at e ke file उसमें आप लिख कहीं पे भी सकते हैं अपेंड में सिर्फ अखीर पे लिख सकते हैं इफ़ यू से ट्रंकेट सो आई ए एस आई ओ एस कोलन कोलन ट्रंक टी आर यू एन सी देन इट इज़ द सेम एज जस्ट ट्रंकेटिंग द फाइल लाइक आई ओ एस कोलन कोलन आउट सो ओ एफ स्ट्रीम यानी आउटपुट फाइल स्ट्रीम के साथ जो आप ऑब्जेक्ट्स क्रिएट करते हैं उसके साथ कई डिफरेंट मोड्स हैं नॉर्मली हम आई ओ एस कोलन कोलन आउट ही इस्तेमाल कर रहे होंगे क्योंकि हम एक फ़ाइल पढ़ेंगे सिंपल काम करते हैं और एक फ़ाइल लिखेंगे एंड दैट विल बी अ न्यू फाइल वट वू वॉन्ट टू डू नाव इज़ राइट अ फ्यू प्रोग्राम्स इन एक्सपेरिमेंट विद द फाइल सिस्टम पहली चीज़ ये है कि जी हम फाइल को पढ़ना शुरू हो गए हैं हमें कैसे पता चलेगा जी फाइल ख़त्म हो गई है देर इज़ अ सिंपल फंक्शन कॉल विच इज़ ई ओ एफ ई ओ एफ इज एंड ऑफ फाइल सो so, अगर हमारे पास आई एफ स्ट्रीम थी माई फाइल तो इफ़ इसी से माई फाइल डॉट ई ओ एफ़ और आगे क्योंकि फंक्शन कॉल है परेंथीसीज आएंगे सो दिस इज़ लाइक अ टेस्ट क्या ये फ़ाइल ख़त्म हो गई है सो यू कैन यूज़ इट इन अ वाइल्ड स्टेटमेंट यू कैन से वाइल्ड नॉट माई फाइल डॉट ई ओ एफ परेंथीसीज सो दैट्स इज जब तक ये फ़ाइल ख़त्म नहीं होती ये करते रहो or uske you can say my file greater than greater than variable name so it will keep on reading from the file and putting the data into a variable do with it whatever you want till such time as the file finishes in which case the my file dot eof function will return true the while loop will exit and you should do a my file dot close so eof is a very very useful function iske ilava? well using the greater than greater than sign is convenient but it is not very useful in many many different situations so we have several other ways of reading a file the first one that we can use is the get function so if i say my dot get what that does is it returns a single character so you should have a character variable not a string a simple character variable let us call it ch so up in the program you would have declared char ch what you do is my file dot get and within parentheses you say ch so file say next character you have a character who ch ke assign ho and then you can use it so a very simple program that reads a file and outputs it to the screen character by character would be something like while not my file dot eof my file dot get ch c out less than less than ch character it on the screen you can puri file try it out make sure it works what is the difference between using the get function and the c in type of syntax with the greater than greater than sign that we were using before मेजर डिफरेंस ये है कि ये न्यू लाइंस को भी एज अ कैरेक्टर पढ़ रहा है सो so अगर आपकी फ़ाइल के अंदर कई लाइनें हैं तो आउटपुट के वक्त भी वो आपको कई लाइनें ही नज़र आएंगी ऑन द अदर हैंड अगर आप वो स्ट्रीम एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर इस्तेमाल कर रहे होते कि जी माई फाइल ग्रेटर दैन ग्रेटर दैन वेरिएबल नेम तो फिर न्यू लाइन आपको खुद डालनी पड़ती इन दिस केस देर इज़ नो नीड यू कैन जस्ट रन दिस लिटल लूप एंड इट विल रीड द फाइल कैरेक्टर बाई कैरेक्टर एंड एक्कोट टू द स्क्रीन एग्जैक्टली द वे इट वॉज टाइट So, try it out. <coughs> Next one would be, Kiji is file ko padha jaye or is file me likh diya jai. So, how about ki agar humar get hai? To why not have a put? Answer is yes, you do have a put. So, you can use a output file dot put, where output file is an of stream type of stream, output file stream hai. So, you can have a, a program that opens two files at a time. वन इज़ आई एफ स्ट्रीम जहाँ से हम पढ़ेंगे एंड द अदर वन इज़ ऑफ टाइप ओ एफ स्ट्रीम जहाँ हम लिखेंगे आई एफ स्ट्रीम वाली से हम गेट करते हैं कैरेक्टर और ओ एफ स्ट्रीम के अंदर हम पुट करते जाते हैं द अदर वे द सेम थिंग विद सी एंड सी आउट वो भी चल सकता है कि आप कहते हैं कि माई इनपुट फाइल जो है उससे एक्सट्रैक्ट करो और वेरिएबल में ले जाओ और माई आउटपुट फाइल के अंदर लेस दैन लेस दैन इस्तेमाल करके वेरिएबल डाल दें तो फाइल में लिखता जाएगा सो एग्जैक्टली लाइक सी इन सी आउट यू कैन यूज इनपुट एंड आउटपुट फाइल्स ऑन द अदर हैंड इफ यू वॉन्ट टू डू एन एग्जैक्ट कॉपी विदाउट मेकिंग एनी मिस्टेक्स इट इज़ बेटर टू यूज़ अ कैरेक्टर बाय कैरेक्टर प्रोसेसिंग सो यूजिंग द गेट इन पुट फंक्शंस टू कम्प्लीट द डिस्कशन देखें हम जब पहले वेरिएबल्स डिक्लेयर करते थे हमारे पास दो ऑप्शंस थे कि जी पहले वेरिएबल को डिक्लेयर किया जाए फिर एक असाइनमेंट स्टेटमेंट से उसको इनिशलाइज़ किया जाए यहाँ पे भी तकरीबन वही हो रहा है कि हम पहले कहते हैं आई एफ स्ट्रीम माई फ़ाइल या हम कहते हैं ओ एफ स्ट्रीम माई आउटपुट फाइल और फिर हम जाके कहते हैं कि जी माई फाइल या माई आउटपुट फाइल डॉट ओपन तो क्या हम डिक्लेयर करते वक्त ही फाइल खोल सकते हैं आंसर इज़ यस एग्जैक्टली द सेम वे वि आई एफ स्ट्रीम माई इनपुट फाइल फ्रेंथिस कोटेशन मार्क्स में फाइल का नाम दे दें कैन बी डू सम एल्स विद ओपनिंग द फाइल द आंसर इज यस देखें जब हम आम वेरिएबल्स को इस्तेमाल करते थे वी सेड इंट आई और फिर आगे जाके कहते थे आई इक्वल टू जीरो इन अदर वर्ड्स वी डिक्लेयर द वेरिएबल एट अ सर्टन प्लेस एंड देन वी इनिशलाइज टू अटन वैल्यू बट वी कूड ऑल्सो हैमिकोलन यानी द वेरिएबल वॉज डिक्लेयर्ड and initialized at one go we can do the same with a file so for example many a file for input i can simply state if stream my input file parentheses can the name of the file within quotation marks as a string this is the same as saying later my file dot open line the same thing applies to output files you can say of stream माई आउटपुट फाइल परंथिसिस के अंदर कोटेशन मार्क्स में नाम और फिर उसका मोड आई ओ एस कोलन कोलन आउट या आई ओ एस कोलन कोलन ए पी पी और वट एवर यू वॉन्ट टू डू विद इट सो यू कैन यूज़ दैट विद इन द डलोरेशन लाइन ये शॉर्ट हैंड है बट आम तौर पर हम फाइल्स को एक्सप्लिसिटली खोलते हैं विद द डॉट ओपन फंक्शन और एक्सप्लिसिटली उनको बंद करते हैं विद द डॉट क्लोज फंक्शन दैट इज़ ऑल्सो अ गुड प्रोग्रामिंग हैबिट एक्सप्लेसिटली ओपन करने का एक और भी फायदा है कि जी आई एफ स्ट्रीम तो आपने एक स्ट्रीम वेरिएबल डिक्लेयर किया एक stream type object है एक स्ट्रीम टाइप ऑब्जेक्ट है इनपुट के लिए तो उससे पहले आप एक फ़ाइल खोल लें इस फाइल को प्रोसेस किया बंद किया कोई और फाइल खोल लें और इसी वेरिएबल के साथ एसोसिएट कर लें एंड सो ऑन सो फोर्थ जब आप डिक्लेरेशन में ये करते हैं तो यू आर लिमिटिंग योर सेल्फ एनसिंग ये फाइल खुली हुई है ये पूरे प्रोग्राम में खुली रहेगी सो ट्राई विद द डिफरेंट वेरियंट्स ऑफ दी स्टेटमेंट्स

या इनपुट फाइल स्ट्रीम डॉट गेट और इन दोनों में आगे सी ए सी आ जाता है विच इज़ अ कैरेक्टर वेरिएबल और एक कैरेक्टर फाइल से पढ़ के इसमें लिखा जाता है या एक कैरेक्टर जो है यहाँ से उठा के फाइल के अंदर लिख दिया जाता है हाउ अबाउट रीडिंग अ फुल लाइन ऑफ टेक्स्ट कैन वी डू दैट सी इन तो आपको याद है ना एक वर्ड लेता था यानी एक टोकन लेता था वाई डिड आई यूज़ द वर्ड टोकन बिकॉज याद होगा पिछले लेक्चर में हमने एस टी आर टी ओ के फंक्शन की बात की थी जो कि एक लाइन में से टोकन एक्सट्रैक्ट करके रिटर्न करता था वही यहाँ पर यूजफुल आता है इंस्टेड ऑफ रीडिंग अ फाइल अ कैरेक्टर एट अ टाइम और अ वर्ड एट अ टाइम विथ सी इन वुड डू हाउ अबाउट रीडिंग इट अ होल लाइन एट अ टाइम इसमें कोई फ़ायदा है फ़ायदा जो है ना वो एक एफिशिएंसी के हवाले से आता है So again, I am not advocating that you sacrifice clarity for efficiency, but I am giving you an alternative. When you are reading something from a disk, or when you are writing to a disk, hard disk, your computer may have is an electromechanical device. Hai. Arguably, this is the slowest thing in the computer. Your microprocessor, your memory, microprocessor in the registers. These are all chips in electronics. दे रन एट आजकल की जो एक गीगा हर्ट्स और दो गीगा हर्ट्स वाली स्पीड है उस पर चलते हैं अगर आप हार्ड डिस्क की बात करें तो हम बात कर रहे होते हैं कि जी हार्ड डिस्क का एवरेज एक्सेस टाइम जो है वो सात मिली सेकेंड्स है यानी अ वेरी फास्ट मॉडर्न डे हार्ड डिस्क वुड एन एव हैव एव एन एव एवरेज एक्सेस टाइम ऑफ सेवन मिली सेकेंड्स वि मीन्स रैंडमली उसको कहें कि जी यहाँ से डेटा पढ़ दो तो सात मिली सेकेंड यानी सेवन थाउजेंड्स ऑफ अ सेकेंड वो लेगा उसको डेटा पढ़ने के लिए ये थाउजेंथ ऑफ अ सेकेंड है उधर वो गीगा हर्ट्स पे चल रहा है विच इज़ अ थाउजेंड मिलियन साइकल्स पर सेकेंड द प्रोसेसर एंड द रैम आर मच मच फास्टर देन योर हार्ड डिस्क अब अगर पढ़ने लिखने के लिए हम कहीं जी एक कैरेक्टर पढ़ो फिर दूसरा पढ़ो फिर तीसरा पढ़ो वी आर आस्किंग फॉर आई एम नॉट सेइंग इट्स एवरी टाइम इट्स सेवन मिली सेकेंड्स बट वी टॉकिंग ऑफ टाइम ऑन द ऑर्डर ऑफ मिली सेकेंड्स टू रीड दैट फाइल और रीड अ सिंगल कैरेक्टर आजकल की बफरिंग भी आ जाती है डिस्क वर्क वेरी एफिशेंटली एंड दे वर्क फास्टर सो इट्स नॉट एज बैड एज दैट बट नन द लिस्ट बिकॉज द डिस्क इज़ एन इलेक्ट्रो मैकेनिकल डिवाइस इट इज़ वेरी वेरी वेस्टफुल टू रीड एंड राइट इट कैरेक्टर एट अ टाइम सो वी वुड लाइक टू रीड इट इन बिगर चंक्स यानी सिक्सटी फोर के इकट्ठा पढ़ लें या टू फिफ्टी सिक्स के इकट्ठा पढ़ लिया जाए इसी तरह वापस लिख दिया जाए यूजली हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम्स हैं वो तो हमारे लिए बफरिंग कर रहे होते हैं और ये ये काम वो करते हैं टू मेक थिंग्स अ लिटिल बिट मोर एफिशिएंट बट हमारे आज की डिस्कशन के लिए हम यही कहते हैं कि जी इंस्टेड ऑफ रीडिंग कैरेक्टर बाय कैरेक्टर और वर्ड बाय वर्ड पर हैप्स इट बी मोर एफिशिएंट इफ़ यू कुड रीड लाइन बाय लाइन उसके लिए भी फंक्शन है जो ये एफ स्ट्रीम क्लास के अंदर मौजूद है वो है गेट लाइन फंक्शन वेन वी यूज़ द गेट लाइन फंक्शन द सिंटेक्स इज एज फॉलोज We use our file handle, the ifstream object. So we say, myfile.getline. Now, this the three arguments. The first argument is a character array. And the array should be big enough to hold, to hold one full line of text. So the first one is a character array string. The next one is the number of characters, maximum, that we expect to read. नंबर थ्री द थर्ड वन इज़ अ कैरेक्टर अगर हम कहीं पर रुकना चाहें तो हम कहते हैं कि जी हम इनपुट में लिखा हुआ हैलो वर्ल्ड लेकिन हम चाहते हैं कि जी वर्ल्ड ना गेट किया जाए तो हम गेट लाइन में कर सकते हैं कि जी माय फाइल डॉट गेट लाइन एरे का नाम कॉमा ट्वेंटी कॉमा सिंगल कैरेक्टर कैपिटल डब्ल्यू होगा क्या कि हेलो वर्ल्ड पढ़ते हुए जब कैपिटल डब्ल्यू पर आएगा वर्ल्ड के डब्ल्यू पर तो वहाँ पर कट के असाइनमेंट हो जाएगी नॉर्मली वी डोंट यूज़ द थर्ड वन वी लेट इट रन टू द मैक्सिमम एंड द डिफॉल्ट इज न्यू लाइन विच मीन्स कि गेट लाइन फंक्शन जो है वो एक पूरी लाइन पड़ेगा अप टू द न्यू लाइन कैरेक्टर बट द न्यू लाइन कैरेक्टर विड नॉट बी रेड और जो भी लाइन वहाँ से मिलती है हमें कैरेक्टर्स की वो एरे के अंदर स्टोर हो जाएगी सो अगेन इट इज़ आर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू मेक श्योर दैट द एरे इज़ लार्ज इनफ टू होल्ड द एंटायर लाइन And then we can do with it whatever we want. So it will be placed in the array. So using get line repeatedly is a much more efficient way of reading the file rather than using a get function. If we've gotten a line, ab for example, immediately aap ye kar sakte hain apne liye ek chota sa do line program likhe hai, jo ke while not my file dot eof karke, loop chalay, get line say array party. और उसको सी आउट से स्क्रीन पे डिस्प्ले कर दिया द रिजल्ट वुड बी द सेम एज यूजिंग द गेट एंड सी आउट फ़र्क ये है कि अब न्यू लाइन आपको खुद डालनी पड़ेगी सी एच जो गेट वाला फंक्शन है वो तो न्यू लाइन फाइल से ही पढ़ के स्क्रीन पे ले जा रहा था यहाँ पे नहीं ले जाएगा आप न्यू लाइन अपने तौर पे खुद डालेंगे बट नन द लेस इफ यू इफ यू कैन थिंक ऑफ क्रिएटिंग अ वेरी ह्यूज फाइल यू विल नोटिस दैट देर इज अ डिफरेंस इन स्पीड गेट लाइन वर्क फास्टर देन रीडिंग इट कैरेक्टर बाई कैरेक्टर आम लाइन में पूरा डेटा आ गया अब उसको तोड़ के हमने कुछ करना है कि जी सपोज वो फाइल वही थी जहाँ से आज के लेक्चर की बात शुरू हुई कि जी पेरोल बनाना था और हर लाइन पर हमने एक एम्प्लॉय का नाम लिखा हुआ है लेट्स फॉर द मोमेंट एस्यूमेट्स अ सिंगल वर्ड और साथ उसके उसकी सैलरी दी हुई है अमाउंट इन अमाउंट पर मंथ दैट ही अर्नस हाउ डू वी ब्रेक दिस लाइन अपी हैव अ फंक्शन फॉर दिस पर्पज़ वो फंक्शन हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा था इट्स अ स्ट्रिंग हैंडलिंग फंक्शन एंड देट इज एस टी आर टी ओ के स्ट्रिंग टोकन फंक्शन जो है वो एक स्ट्रिंग लेता है और साथ आप उसको एक डिलिमिटर बताते हैं कि जी टोक के दरमियान क्या चीज़ आएगी डिलिमिटर इज़ नॉर्मली अ सिंगल कैरेक्टर जो सपोज हमारी फाइल के अंदर नाम लिखा हुआ है एम्प्लॉ का साथ उसके उसके पेरोल का मतलब सैलरी डेटा लिखा हुआ है दरमियान में एक सिंगल स्पेस है सो आई कैन यूज द स्ट्रिंग टोकन फंक्शन कॉल इट रिपीटेडली एंड से लेट्स से एक कैरेक्टर स्ट्रिंग को असाइन कर देते हैं पहले कि जी ये नाम जो है स्ट्रिंग टोकन जो गेट लाइन से हमने स्ट्रिंग ली थी एरे के अंदर वो स्ट्रिंग टोकन का पहला आर्गमेंट बनेगी फिर हम कहते हैं सिंगल कैरेक्टर उसको दे दो एज अ डिलिमिटर सो स्ट्रिंग टोकन फंक्शन जो है वो सबसे पहले एम्प्लॉई का नाम रिटर्न करेगा सेकेंड कॉल टू द स्ट्रिंग टोकन फंक्शन के अंदर ये थोड़ा सा ट्रिकी है जो पहला आर्गूमेंट है जहाँ पे एरे का नाम लिखा हुआ था जहाँ पे हमने गेट लाइन से डेटा डाला था अब वहाँ एरे का नाम नहीं आएगा वहाँ पे नल आएगा एन यू एल एल कैपिटल्स में लिखा हुआ इट मीन्स के जी पिछली जो एरे थी उसी को चलाई चलो नेक्स्ट टोकन पकड़ो नेक्स्ट टोकन जो पकड़ा जाएगा वो सैलरी होगी लेकिन रिमेंबर सैलरी जो होगी वो कैरेक्टर स्ट्रिंग के तौर पे आपको मिलेगी सो so, अब कैरेक्टर स्ट्रिंग से हम अमाउंट कैसे बनाएं वेल यू नो वी हैड द ए टू एफ फंक्शन और द ए टू आई फंक्शन विच इज एस की टू फ्लोट या एस की टू इंटीजर सो अब देखें आप आहिस्ता 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 ये फंक्शन इस्तेमाल होने शुरू हो रहे हैं सो so, हमने गेट लाइन किया स्ट्रिंग टोकन की रिपीटेड कॉल्स के साथ हमने नाम अलहदा किया और सैलरी अलीहदा की सैलरी क्योंकि एज अ कैरेक्टर स्ट्रिंग हमें मिली है उसको हमने लेट से ए टू एफ़ के साथ उसको एक डबल वेरिएबल में कन्वर्ट कर लिया और फिर नेक्स्ट गेट लाइन कर ली सो नाव वीअर यूजिंग मैनी मैनी फंक्शंस ये प्रोग्राम आपके हैंड आउट के अंदर भी आपको दिया हुआ है टेक अ लुक एट इट क्रिएट योर ओन लिटिल पेरोल फाइल फॉर द मोमेंट यू कैन यूज सिंगल वर्ड नेम्स एंड देन दैलरी इन फ्रंट ऑफ इट एंड देन ट्राई टू प्रिंट इट आउट ऑन द स्क्रीन do that as an exercise we have many more exciting exercises for you as part of your assignments one is a good one you are i will say you have become real programmers by this stage so what have we done today what we have done is we have started the rudiments of file processing using c and c++ i will say rudiments can the beginning we've ka text file estamal king or सिंपल सी इनपुट की है वेरी वेरी सिंपल सी आउटपुट की है मैंने ज़्यादा उस पर बात नहीं की आगे चल के हमने थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स आउटपुट की बात करनी है फॉर्मेटिंग की बात करनी है एंड इन पर्टिकुलर रैंडम फाइल्स की बात करनी है कि जी ये वाला यहाँ से पढ़ो हिस्सा ये वाला यहाँ पढ़ो यहाँ पे लिख दो जंपिंग ऑल अराउंड आज जो हम काम कर रहे थे वो टेक्स्ट फाइल्स के साथ था बाय एन लाज हम उनको सिक्वेंशली इस्तेमाल करते हैं विच इज़ ऑलमोस्ट लाइक योर वीडियो टेप या ऑडियो टेप कि जी शुरू से शुरू होता है और फिर हर चीज़ दरमियान वाली सुन के या देख के फिर हम अखीर तक पहुँचते हैं सो वी हैव टू प्रोसेस इट सिक्वेंशली वी हैव नॉट टच रैंडम फाइल्स येट। वी विल डू देट नेक्स्ट टाइम एंड दे आर इवन मोर एक्साइटिंग टिल दैट टाइम इजाजत दीजिए खुदा हाफ़